Hey, how have you been? Welcome to another episode of Learning English. Today is the day to learn WhatsApp chat language, right? Fourth day of the series. Quickly, let us check out what new are we going to discuss today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first shortcut for the day is TMI. TMI stands for too much information. ऑफिशियल चैट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है या फिर कभी कभी किसी की कैपेसिटी नहीं होती, आप किसी को बहुत कुछ सिखाए जा रहे हैं तो वो कहेगा यू नो इट्स टू मच फॉर द डे, टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे टू होल्ड, राइट? तो आज के बाद याद रखिएगा, जब कभी कोई आपसे ये कहे कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, टू मच इन्फॉर्मेशन, तो वो आपसे ये भी कह सकता है, TMI भी लिख सकता है आपकी चैट में. नेक्स्ट इज NM. NM स्टैंड्स फॉर नथिंग मच. नथिंग मच, जैसे कोई आपसे कहता है What's up with you? How are you? How have you been? तो आप उनके जवाब में कह सकते हैं All good, nothing much, nothing exciting. NM जब आप वहां पर लिखते हैं. फिलहाल WhatsApp का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, मुझे कमेंट में बताइए WhatsApp की जगह हम क्या लिखते हैं. नेक्स्ट इज IMO. IMO stands for in my opinion, मेरे विचार से, मेरी राय में, ठीक है? कोई अगर अपनी कोई राय दे रहा होगा तो वो लिखेगा IMO. फॉर एग्जाम्पल मेरी इस शर्ट के बारे में कोई राय दे रहा है तो वो लिखेगा इन माई ओपिनियन ग्रीन कलर इज जस्ट एवरेज ऑन यू, यू नो लुक्स जस्ट एवरेज ऑन यू, यू कैन ट्राई मे बी ब्लू और एनी अदर कलर, इन माई ओपिनियन IMO. नेक्स्ट इज TBA. TBA स्टैंड फॉर टू बी अनाउंस्ड, घोषित किया जाना है या घोषित किए जाने हेतु, ठीक है? दोनों टर्म्स में कह सकते हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में कोई अनाउंसमेंट हो सकता है तो दिस इज टू बी अनाउंस्ड, या फिर आगे होने वाला है हम तब कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में नया मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन होगा तो द न्यू मिस यूनिवर्स इज टू बी अनाउंस्ड और TBA इन दिसंबर, ठीक है? विकीपीडिया पे आप जाएंगे तो वहां ऐसा ही लिखा होगा. आजकल फॉर्मली भी शॉर्टकट्स यूज करने लगे हैं तो आप देखिएगा. नेक्स्ट इज AKA. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, हर जगह ये लिखा होता है, ठीक है? AKA means also known as, जैसे फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर also known as AKA Nightingale of India, ठीक है? आज के बाद ध्यान रखिएगा, हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं लेकिन यहां पर उपनाम भी हो सकता है. फिलहाल अगला है POV. POV आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. POV stands फॉर पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने IMO डिस्कस किया था, IMO होता है इन माई ओपिनियन, उसी तरह से POV इज पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा सोचना है, मेरा समझने का तरीका है कि आप पर, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया ग्रीन की जगह शायद ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगे उस पार्टी के लिए या फिर किसी भी ओकेजन के लिए, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आज के बाद ध्यान रखेंगे. एंड लास्ट इज EOD. ये भी WhatsApp फॉर्मल चैट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है. EOD stands for end of the day. कैजुअली भी करते हैं लेकिन जनरली आपके क्लाइंट्स बहुत बार आपको लिख करके भेज सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू राइट नाउ, आई विल टॉक टू यू. EOD means end of the day और आई विल गेट बैक टू यू EOD, end of the day, या फिर आई विल लेट यू नो, ठीक है? End of the day. So these were the 7 WhatsApp new chat shortcuts जो कि आज आप सीख गए हैं, जो आपके लिए नया नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के लिए हो सकता है, तो जिसके लिए हो सकता है उसे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. डेफिनेटली आई वॉन्ट मोर सब्सक्राइबर्स, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ रियली नाइस टाइम.